ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। खबर उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। नमस्कार, मैं खुशबू शुक्ला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। इस कोविड सेंटर में कोविड 19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अभी तक इस सेंटर में 750 बेड की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इस सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर 4000 बेड तक की जा सकती है। कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से फ्री में आवश्यक सामग्री की किट दी जाएगी। दिन में 3 टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बनाए गए इस सेंटर में लोगों को ठहरने के लिए 4 फ्लोर में व्यवस्था की गई है। इसमें 38 वार्ड की व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर में मेडिकल सुविधाओं के साथ ही योगा एवं मेडिटेशन की भी व्यवस्था की गई है। सुबह के समय एक्सपर्ट द्वारा ऑनलाइन योगा एवं मेडिटेशन की क्लास दी जाएगी। इसके लिए LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग, CCTV कैमरे एवं कोविड के मानकों के हिसाब से अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। फैमिली वार्ड अलग से बनाए गए हैं। सेंटर में मनोरंजन की अनेक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। शासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही स्वयंसेवी संस्थानों ने भी इसके लिए सहयोग किया है। कोविड 19 पर नियंत्रण एवं लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि कोविड पर नियंत्रण के लिए जिस तरह से प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है, उम्मीद है कि हम जल्द ही नियंत्रण की स्थिति में होंगे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के रिकवरी रेट में वृद्धि हुई है, डबलिंग रेट में भी सुधार आया है। अभी हमारा रिकवरी रेट 65% एवं डबलिंग रेट 25% दिन में है। इस अवसर पर पर्यावरणविद डॉक्टर अरिंद प्रकाश जोशी, सचिन स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, DGP लॉ एंड ऑर्डर श्री अशोक कुमार, IG मेला श्री संजय गुंजियाल, कमांडेंट ST RF सुश्री तृप्ति भट्ट, CO देहरादून डॉक्टर VC रमोला, अपर जिला अधिकारी श्री वीर सिंह बुदियाल आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।